हटा तहसील मुख्यालय से लगे पटेरा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले बिजौरी पाठक गांव में बना नवीन माध्यमिक शाला भवन जर्जर हो गया है। स्कूल भवन से प्लास्टर टूटकर नीचे जमीन पर छात्र छात्राओं के आसपास गिर रहा है। वहीं भवन में बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ गई हैं, जिससे अब भवन गिरने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों प्लास्टर मटेरियल गिरने से एक छात्रा बाल बाल बची थी, जिसके बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से भी इस दौरान कहा सुनी हुई थी। हादसों की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है। लिहाजा इस स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 200 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आरोप है कि बिजौरी पाठक गाँव का यह स्कूल भवन करीब 15 साल पहले घटिया तरीके से बनाया गया था। बारिश के दिनों में स्कूल की छत से पानी टपकता है, जिससे विद्यार्थी कक्ष में बैठ नहीं पाते। वहीं जर्जर स्कूल के प्लास्टर और दीवारों के गिरने का खतरा भी यहां बना रहता है। स्कूल में पदस्थ शिक्षकों का कहना है कि जर्जर भवन और समस्याओं के विषय में हर बार वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है। हमारा स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला बिजौरी पाठक एवं शासकीय माध्यमिक शाला बिजौरी पाठक। यहाँ की दीवारें जर्ज हो चुकी हैं सर, और बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर परसों एक प्लास्टर गिरा एक बच्ची के ऊपर, तो गांव के लोग लड़ने के लिए आ गए हमारे पास और अभद्र व्यवहार भी किया। हम लोग क्या कर सकते, हम लोग तो सिर्फ यही कहा शासन प्रशासन से कई बार मौके पर लिखित रूप से दे भी चुके हैं, ग्रुप के माध्यम से भी दे चुके हैं और लिखित में भी दे चुके हैं कि हमारे यहाँ की व्यवस्था की जाए, ताकि बिल्डिंग को सुचारू रूप से हम संस्था चला सकें। बच्चों को 126 बच्चे प्राथमिक शाला बिजौरी पाठक में दर्ज हैं, सिर्फ 3 कमरों में हम लोग ढालना पड़ रहा है बच्चों के लिए, वो भी यदि पानी गिरता है तो दिक्कत में आ जाते हैं। कभी न कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, हम लोग क्या करेंगे सर। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी इतनी मदद हो जाए कि शासन इसके ऊपर ध्यान दे और हमारी बिल्डिंगों के लिए सुचारू रूप से तैयार कर दे, ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। आज हम लोग बच्चों को गांव में लेने जाते हैं तो गांव वाले यही बोलते हैं कि हम क्यों स्कूल भेजें, यदि आपके स्कूल में कोई बच्चा के लिए कुछ हो जाएगा तो जवाबदार कौन होगा। वो अलग अलग बातें करते हैं, हम वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी सर समस्या कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान। इस संबंध में आपने शिकायत या आवेदन वगैरह दिए? जी सर, हमने लिखित और मौखिक रूप से दिए हैं। कब दिए थे? कम से कम 1 साल 2 साल से हम लोग दे रहे हैं, 2 साल से आवेदन। किसको दिए थे आपने? जी जन शिक्षक महोदय जो हमारे यहाँ आते हैं उनके उनसे भी रिसीव ली है। कौन है आपके यहाँ जन शिक्षक महोदय जी? फूलचंद अहरवाल और एस नेमा, रामशंकर नेमा। आपका नाम क्या है? दामोदर विश्वकर्मा। आप यहाँ शिक्षक हैं? जी सर जी, माध्यमिक शाला से हैं। तो दोनों ही स्कूलों की समस्या है? जी दोनों स्कूलों की समस्या है सर। मिडिल स्कूल में मास्टर है, ऊपर छत जो है उसका प्लास्टर गिरता है, उसमें हम नीचे बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं। दूसरा स्कूल है। अब आप क्या चाहते हैं? है, उसमें पानी भर जाता है। क्या चाहते हैं बच्चे आकर हम लोग साथ में लग के उनके वो पानी बाहर फेंकते हैं जब स्कूल। हम तो सर यही चाहते हैं कि जब कोई ऐसी बच्चों को हम लोग बैठा बच्चों को हम अच्छी जगह से बैठा सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें, ऐसी जगह बैठा सकें। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो गांव के स्कूल हैं वो बहुत क्षतिग्रस्त हैं, गिर रहे हैं, इसलिए हमारे गांव के लोग बच्चों को भेजने में असमर्थ हो रहे हैं। वो बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, उनके ऊपर छत गिरती है, कोई मर जाएगा, कुछ हो कोई जाएगा। दब जाएगा, कोई हानि हो जाएगा, ये इसके जिम्मेदार कौन होगा? पानी भर रहा है, उसमें पानी भर जाता है, पानी आके यहाँ डेली हम लोग निकालते हैं। जब आप लोग पानी निकालते हैं? जी हम लोग पानी निकालते हैं। पानी अंदर चला जाता? पानी उसमें कम से कम 1 फीट भर जाता है। 1 फीट भरने के बाद जब हम लोग आते हैं तो पानी निकालते हैं। छत से पानी गिर के भरता है कि बाहर से पानी आता है? छत से गिरता है, छत खुद गिरती है। प्लास्टिक गिर रही ऊपर की? हाँ गिरती है, ऊपर की जो मरम्मत है पूरी बच्चों के ऊपर प्लास्टर गिर रही है। हाँ बच्चों के ऊपर गिरती है। तो एक दिन तो एक बच्चे के ऊपर भी गिरी, तो उनके घर वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत वातावरण किया, बोलने लगे कि हम अपने बच्चों को नहीं स्कूल भेजेंगे। अगर शासन प्रशासन इस पर कार्यवाही नहीं करती है तो हम बिल्कुल अपने बच्चों के स्कूल नहीं भेजेंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में ताला भी और लगवा देंगे। स्कूल में ताला लगवा देंगे और इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? कौन सा गांव है ये? ग्राम बिजौरी पाठक। स्कूल कौन सा है जी?